आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। और अगर आप एडिटोरियल जैसे ईटी टाइम्स, मिंट जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे किस प्रकार से यस बैंक अपने एनपीए को वाइप आउट करने के लिए कंटिन्यूअस और एग्रेसिवली कार्य करते हुए दिख रहा है। और यही बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यस बैंक का स्टॉक यहां से 500% या फिर 100 प्लस तक के लेवल्स को इजिली टच कर सकता है। जिस प्रकार से इस स्टॉक में काफी हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखा, अभी एआरसी का एक बड़ा इवेंट पेंडिंग है और उससे पहले स्टॉक देखेंगे तो एक रीटेस्ट 17 के आसपास के लेवल में कर रहा है। बैंकिंग के वोलेटिलिटी में भी जिस प्रकार से ये स्टॉक अपर लेवल के प्राइस को सस्टेन कर रहा है, व्यू काफी विजिबल है, अपट्रेंड के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है और नेक्स्ट टारगेट 24-32 तक के लेवल विद इन मैक्सिमम 3-5 मंथ में दिखने वाला है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेंगे। एक दूसरा स्टॉक जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा एनएचपीसी। इस स्टॉक में देखेंगे तो लगभग 10 ईयर के कंसोलिडेशन को स्टॉक ब्रेकआउट कर रही है और इस समय व्यू काफी बुलिश है। 38 के आसपास का प्राइस है। आज स्टॉक में 4% की तेजी दिखी और इस स्टॉक का टारगेट देखे तो 45 और 48-50 तक के टारगेट विद इन मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक में आते हुए दिनों में दिख सकता है।